सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो यार आज के इस वीडियो में यार एक ट्रेनिंग वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने डॉग को गाड़ी पे बैठना सिखा सकते हो। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत वार्निंग दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपको जो मैं अभी सिखा रहा हूँ उसको आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, लगभग 10 से 12 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। सेकेंडली आपको डायरेक्ट रोड पे लेके नहीं निकलना है क्योंकि इससे हो सकता है बाद में कुछ एक्सीडेंट हो जाए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जैसा बता रहा हूँ वैसा ही आप करें। प्लीज़ आप अपना दिमाग जो है वो थोड़े अभी मत यूज़ करें, अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि बाद में अगर जब एक्सीडेंट होता है मैंने देखा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए और आपके डॉग के लिए भी। तो यार प्लीज़ पहले आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप रोड पर लेके निकलें। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि टाइम दें आप अपने डॉग को, प्रॉपर टाइम दें और ये जब इमरजेंसी हो तभी आप लेके निकले। मैंने देखा यार बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बाइक का यूज़ कर लेते हैं जैसे ये बाइक है, तो यार इस टाइप की बाइक का यूज़ प्लीज़ मत करो क्योंकि यार बाइक में यार कभी भी डॉग स्लिप हो सकता है, उसकी ग्रिप नहीं बनती प्रॉपर और वो गिर सकता है। स्कूटी में आपके पास आगे स्पेस होता है। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि केवल इमरजेंसी कंडीशन पर ही आप यूज़ करो इस चीज़ का। अगर आपको लोकल जैसे कहीं लेके जाना है तो आप प्लीज़ कार या फिर ऑटो का यूज़ करो, बट अगर कभी इमरजेंसी हो जाती है, मान लो डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है या फिर कहीं भी, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो। बट प्लीज़ यार आप बाइक का यूज़ तो बिल्कुल मत करो। स्कूटी आपको नॉर्मली आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी के पास होगी। तो ये रही यार कुछ वार्निंग, प्लीज़ आप इसे इग्नोर मत करना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चीज़। तो चलो मैं सिखा देता हूँ आपको पूरी टेक्निक, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक विनी की बहुत ख़राब चीज़ बताता हूँ। तो अभी जैसे वो रही विनी, वो पागल गेट पर ही रहती है और उसकी गंदी आदत पता क्या है, वो ऐसे शांति से बैठी रहेगी और जैसे ही कोई सामने से आएगा तो उसे अचानक से भौंकेगी और डरा देती है कभी कभार। यही चीज़ इसकी बहुत गंदी है, विनी नहीं करो। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो है वो है यार ये बिस्किट्स जो कि डॉग वाली होती है नॉर्मल साइज़ की छोटी छोटी, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो पार्ले जी, नहीं पार्ले जी यूज़ नहीं करना, मैं मजाक कर रहा हूँ। पार्ले जी आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि पार्ले जी में शुगर होता है, बट अगर अभी जैसे कोविड का टाइम है और आपको ये बिस्किट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है क्योंकि पेट शॉप वगैरह नहीं ओपन हो रही है तो फिर आप उस कंडीशन पे यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो यार ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ अपने डॉग को सिखानी है। सबसे पहली तो कमांड होती है वो है शेट और सेकेंडली स्टे, ये दो कमांड आपको बिल्कुल मास्टर कर लेनी है सबसे पहले। तो आप जब ये कमांड मास्टर करोगे उसके बाद ही आप यार आगे की जो प्रोसेस है उस पर बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे ये सिखा सकते हो। वैसे इनकी डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट पे बता देता हूँ। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ शिट कमांड के लिए। तो शिट कमांड तो पहले शिट हो गई। तो यार शिट कमांड के लिए क्या करना है आपको, चलो नो। तो शिट कमांड के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डॉग को पास बुलाना है ऐसे, इधर आओ बिनी। उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बैक पे हल्का फोर्स देते हुए उसे बैठाना है। जब बैठ जाए तो आपको इसको यार ट्रीट देना है लाइक ये बिस्किट्स और उसको वेरी गुड बोलना है। तो ऐसे आप जब बहुत बार करोगे तो आप शिट कमांड पे आसानी से ट्रेन कर सकते हो। ये बेसिकली मैं इसको एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है, आप इसी तरीके से ट्रेन कर सकते हो। और भी वीडियोस हैं यूट्यूब में, आप वो देख सकते हो। अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब स्टे कमांड का ही मैं बता देता हूँ आपको एक मोटा हिसाब। तो स्टे में आपको इसको स्टे बोलना है और उसके बाद उसको दूर जाना है अपने डॉग से। आप दूर जाओगे और अगर आपका डॉग मूव करता है तो आपको उसे ट्रीट नहीं करना है, लेकिन अगर आपका डॉग स्टे रहता है, स्टे मतलब एक जगह रहता है, तो आपको उसको थोड़ी देर बाद आके ट्रीट कर देना है। तो आपको मैंने स्टे कमांड का भी एक आपको ओवरव्यू मैंने बता दिया है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे जो हमें गाड़ी पे बैठना सिखाना है उसके लिए। तो सबसे पहले हमें ये दो तीन स्टेजों पे होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप गाड़ी पे कैसे बैठाना है इसको, फिर उसके बाद हम इसे धीरे से गाड़ी पे के लिए कंफर्टेबल करवाएंगे और फिर धीरे से हम इसे रोड पे लेके जाएंगे थर्ड स्टेज पे, एडवांस लेवल पे जब हो गए। तो हम ये जो एडवांस लेवल है वो अभी हम मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो में 51 लाइक्स आएंगे तभी हम एडवांस जो इसका वर्जन है उसको बनाएंगे। तो इस वीडियो में 51 लाइक कर देना, विनी बोलो लाइक करने के लिए। विनी वीडियो में 51 लाइक कर देना। तो देखो अब तो विनी ने बोल दिया तो लाइक कर देना इस वीडियो में। तो चलो अब गाड़ी में बैठना सिखा देते हैं। तो सिखाने के लिए सबसे पहले हमें डॉग को बांधना है, तो इसको मैं बांध देता हूँ। विनी नो, चलो इसका मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ अच्छी चीज़। जैसे कि ये मैंने फेंका, अब देखना बंदे के लिए कितने प्यार से आएगी। विनी आओ, विनी जल्दी आओ, ये देखो गाइस कितने प्यार से खुद ही बनने आ गई। कहीं भी रहेगी अगर मैं चेन लेके बैठ जाऊंगा तो याद आएगी बांधने। तो चलो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर लेते हैं कैसे आपको बैठना सिखाना है। तो सबसे पहली स्टेप पे आपको अपने डॉग को गाड़ी पे बैठना सिखाना है ताकि वो जो उसका जो नीचे का एरिया गाड़ी के वहां पे वो बैठना पहले सीख जाए प्रॉपर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने डॉग को सबसे पहले यहाँ पे बैठाना है। विनी बिस्किट की लालच देती हूँ आपको, इसको ऊपर लाना है, उसे सेट कर देना है। मैं पहले गाड़ी को सीधा कर लेता हूँ पहले। विनी चलो
शिट, चलो ऊपर, शिट, बस अब एक बार शिट हो जाए तो उसको स्टे कर देना, स्टे, और फिर उसको थोड़ी थोड़ी देर में ट्रीट देते आना है, जैसे कि मैंने ये ट्रीट दिया, उसके बाद आपको होल्ड करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक आपको होल्ड करना है, जिससे यार ये जो गाड़ी पे बैठने का जो इसकी पाँव की ग्रिप है वो बनाना सीख जाएगा, जैसे ये देखो अभी गिर रही है तो कुछ टाइम बाद ये गिरना बंद जाएगी, जैसे कि फिनिश इट, चलो ऊपर, चलो नीचे गए, आओ, शिट, नो, फिर से ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो ये चाहिए, चलो शिट, नो, नो, चलो ऊपर, शिट, फिर से ऊपर चलो, शिट, ये, ऐसे धीरे धीरे करके आपको इसको गाड़ी में बैठना सिखाना है, यानी फिर से चलो, शिट, फिर से चलो, शिट, स्टार्टिंग का एक हफ्ता जो रहेगा उसमें आपको केवल इतना सिखाना है कि वो गाड़ी पे बैठना सीख जाए, एक हफ्ते में आपका जो डॉग है वो गाड़ी पे बैठना सीख जाएगा, अभी आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, जस्ट बंद ही रखनी है और उसको स्टे बोलना है बस, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे धीरे धीरे करके आपको इसकी गाड़ी की जो टाइमिंग है उसको आपको बढ़ाते आना है, धीरे धीरे आपको गाड़ी को हल्का शेक करना भी स्टार्ट करना है, ताकि शेक करने के बाद भी आपका जो डॉग है वो अपने पाँव से इस पर ग्रिप बनाना सीख ले, तो जैसे कि मैं अभी शेक कर रहा हूँ ये बैठी हुई है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको एक हफ्ते तक यही करना है, वेरी गुड। अब एक हफ्ते बाद आपको क्या करना है, आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, गाड़ी स्टार्ट है, इसको मैं आगे पीछे नहीं करूंगा, मैं जस्ट हल्की सी रेस दे रहा हूँ, बाकी गाड़ी जो है मेरे को जस्ट हल्की सी रेस देनी, ताकि जो गाड़ी है वो वाइब्रेट हो, मैं यहाँ पे थोड़ा तेज बोलना पड़ रहा है, फिर आओ, चलो ऊपर, शिट, वेरी गुड, बस अब मैं हल्की हल्की रेस दूंगा, अब मैं हल्की हल्की रेस दूंगा, ताकि गाड़ी जब वाइब्रेट होती है उस वाइब्रेशन से डॉग जो है वो यूजफुल हो जाए, उसको वाइब्रेशन का फिर उतना फर्क ना पड़े, तक हमें ये सेम चीज करनी है, इसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके गाड़ी को आगे पीछे करना भी स्टार्ट करना है, लाइक ये, फिर ये मैंने पीछे कर दिया, फिर मैंने आगे कर दिया, फिर मैंने पीछे कर दिया, अभी आपको केवल इतना करना है, आपको अपने डॉग को कंफर्टेबल करवा देना है गाड़ी पे, उसके बाद जब ये हो जाता है तो उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसे रोड पे लेना शुरू करेंगे, रोड पे निकालना शुरू करेंगे, तो स्टार्टिंग के कुछ दिन हम इसे खाली रोड पे ही करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो कि रोड बिल्कुल भी सुनसान रहेगी, वहां पे कुछ भी नहीं हो ऐसी जगह पे, और उसके बाद जब आपका डॉग अच्छे से यूज थ्रू हो जाता है 15-20 दिन में, तो उसके बाद आप इसे रोड पे ले जा सकते हो, बट मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि केवल इमरजेंसी सिचुएशन पे इस चीज का यूज करें। तो आज की वीडियो में यार इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल करना तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।